जाते तू, ये खेल दीवानों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 24/7 उर्दू न्यूज के द क्रिकेट शो PSL स्पेशल के साथ मैं हूं बाबर हयात। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रीदर आपके लिए लेके आया हूं और ये मैं क्या कहूं, अब कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और व्हाट एन अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ पावर हिटिंग फ्रॉम कैमरॉन डेलपॉट, ओ माई गॉड, अमेजिंग अमेजिंग। जरा अंदाजा करें, उन्होंने 13 छक्के लगाए भाई, उठा उठा के बाहर फेंका है लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स को, और इस तरह एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग्स है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड को टॉस जीता था लाहौर कलंदर्स के फखर जमान ने, और एक डरावना ख्वाब साबित हुआ उनके लिए ये टॉस जीतना। उन्होंने टॉस जीतकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को बैटिंग की दावत दी, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्या तबाही की बैटिंग का डिस्प्ले किया है। 238 for 3 only, यानी सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पे, और 3 रिकॉर्ड टूटे हैं आज के इस मैच में। 3 रिकॉर्ड टूटे हैं। 238 for 3 इज द हाईएस्ट एवर स्कोर ऑफ अ टीम इन HBL PSL, ये पहला रिकॉर्ड। दूसरा रिकॉर्ड, जबरदस्त किस्म की फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी स्कोर की है, बहुत ही जबरदस्त आसिफ अली ने आज खेला है, 17 गेंदों पे उन्होंने हाफ सेंचुरी की है, तो ये सेकंड रिकॉर्ड है। और एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड ये भी आज कायम हुआ है जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड की इस तारीखी इनिंग्स में। मैं इसको हिस्टोरिकल इनिंग्स कहूंगा, नो डाउट। एक्सलेंट एक्सलेंट अमेजिंग क्रिकेट फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड, और कैमरन डेलपोर्ट पैसा वसूल, जनाब जबरदस्त खेले हैं उन्होंने, अमेजिंग 117 स्कोर किया है, 60 बॉल्स को फेस करके 13 उन्होंने चौके लगाए हैं और 4 छक्के लगाए हैं, 4 छक्के, जबरदस्त किस्म की उनकी तरफ से बैटिंग। माफ कीजिएगा, मैंने 13 छक्के कह दिया था, उन्होंने 13 चौके लगाए हैं और 6 छक्के लगाए हैं उन्होंने। और इसके अलावा अगर हम बात करें आसिफ अली की, तो आसिफ अली ने 6 छक्के लगाए हैं, क्या कहने हैं आसिफ अली के। आसिफ अली ने 55 किया है फ्रॉम 21 बॉल्स नॉट आउट, और इसमें उन्होंने 21 बॉलों का सामना किया है, 3 चौके और 6 छक्के लगाए हैं। और इसी तरह जो वॉल्टन हैं, आज पहली बार विंडीज के वॉल्टन टीम में शामिल हुए थे, तो उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोए हैं, और उन्होंने 48 किया है जिसमें उन्होंने 2 चौके और 4 छक्के लगाए हैं। सो अंदाजा लगाइए कि ये कितने जबरदस्त छक्के, और क्या कमाल का इस वक्त एनवायरनमेंट है नेशनल स्टेडियम्स कराची का, एंजॉय किया है लोगों ने। दिस इज द रियल T20, दिस इज व्हाट द पीपल वर लुकिंग फॉर इन कराची, के ऐसे जबरदस्त चौकों और छक्कों की बरसात हो। लेकिन बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि ये चौकों और छक्कों की बरसात लाहौर कलंदर्स की तरफ से हो, क्या अब होगी ये देखना पड़ेगा। 238 किया है लाहौर को, अब 239 करना है, और एक ओवर 10 रन्स एंड ओवर स्टार्ट से ही आपको करना पड़ना है। ओ भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है लाहौर के लिए ये मैच अब जीतना, बिकॉज आई एम अफ्रेड लाहौर के पास ऐसा कोई हिटर नहीं है। आज अगर फखर जमान चल जाएं, या फिर एक उनकी तरफ से सोहेल अख्तर है, सोहेल अख्तर भाई कैच ड्रॉप कर दिया आपने कैमरन डेलपॉट का, और कैमरन डेलपॉट ने एक बार फिर मैच आपके हाथ से छीना। आपने पिछले मैच में भी कैच ड्रॉप किया था और मैच ड्रॉप किया था, आपका आज का कैच ड्रॉप भी मैच ड्रॉप साबित हो सकता है। ओह माय गॉड, व्हाट हैपन टू लाहौर कलंदर, क्या हुआ लाहौर कलंदर को, कैसे खेल रहे हैं आप। इतनी जबरदस्त आपकी फ्रेंचाइज है, इतना जबरदस्त आपका ओनर है, इतनी जबरदस्त आपकी मैनेजमेंट है, आखिर हुआ क्या है आपकी टीम को, समझ में नहीं आ रहा। देखें सही, अब अगर हम बॉलर्स की बात करें तो शाहीन शाह आफरीदी को 62 स्कोर पड़े हैं, सिर्फ एक विकेट उन्होंने जो पहली बॉल पे ली, उससे तो लग रहा था कि ये लाहौर छा जाएगा, जो पहली बॉल पे पहली विकेट उनकी गिर गई थी। और उनके जो मेजर बैट्समैन है ल्यूक रॉन्की, उनको आउट किया गया था, और अगर आज ल्यूक रॉन्की आउट ना होते तो अंदाजा लगाएं कि क्या होता। ये कैमरन डेलपॉट उतने ज्यादा बड़े हिटर नहीं है जितने बड़े हिटर रॉन्की हैं, तो ये तो किस्मत है इनकी कि वो आज नहीं हुए, वरना कोई आलमी रिकॉर्ड बन जाता T20 का, क्या पता था कि कहां पे स्कोर चला जाता। संदीप लमिचाने बेचारे को भी 46 स्कोर पड़े हैं,
और इसके अलावा डेविड विजे जो हैं उनको 44 पड़ा है, और हारिस रऊफ ने फिर भी अगर हम कॉन्टेक्स्ट में इसके मैच के कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो 40 रन्स उनको पड़े हैं, वो भी कुछ बेहतर बॉलिंग की है। और अगर हम बात करें इसके अलावा तो राहत अली ने 2 ओवर में 27 रन्स खाए हैं। अभी आप ज़रा इकोनॉमी चेक करें, शाहीन शाह अफरीदी की इकोनॉमी क्या है जनाब, 15.50, राहत अली की 13.50। इसके अलावा संदीप लमेचाने की बात करें तो उनकी भी 11.50। इसके अलावा डेविड विजा की 11, और इन सब में से जो कम है वो हारिस रऊफ की है 10 की उनकी इकोनॉमी है। या फिर ये कह लीजिए कि आगा सलमान को 2 ओवर दिए थे, मुझे नहीं पता कि उनको दोबारा 2 ओवर क्यों नहीं दिए गए, हालांकि आगा सलमान ने 2 ओवर में सिर्फ 14 रन्स दिए, सिर्फ 14 रन्स। इफ़ वी टॉक अबाउट द सर्कमस्टांसिस ऑफ द इनिंग्स, अगर हम हालात की बात करें तो 7 रन कुछ भी नहीं लग रहे भाई, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। कराची में आज एक तारीखी मैच देखा है कराची वालों ने, बहुत जबरदस्त इनिंग्स। लेकिन अब अगर हम बात करें लाहौर की रिप्लाई की, तो भाई लाहौर रोक रोक के तो अब खेल ही नहीं सकता, ये तो बस हर ओवर में आपको एक बाउंड्री चाहिए, और बाउंड्री भी बड़ी चाहिए, 2 बाउंड्रीज मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। आपको स्टार्ट में बिल्कुल काउंटर अटैक करना होगा, अगर आप काउंटर अटैक नहीं करेंगे तो द मैच विल नॉट बी इन योर हैंड। बट हु नोज कि आज एक 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 और रिकॉर्ड बन जाए कि 238 बना है तो 239 चेज हो जाए। लेकिन आपको अगर रियलिस्टिकली बताऊं तो भाई लाहौर कलंदर में इतना दम नजर नहीं आता, मुझे इतना दम नजर नहीं आता, उनमें इतने बड़े हिटर नहीं हैं। हारिस सोहेल इज नॉट नोन फॉर हिज हिटिंग, एंड ऑल्सो अगर हम बात करें आगा सलमान की तो वो भी अपनी हिटिंग के लिए मशहूर नहीं है, लेकिन 2-3 उनके पास लोग हैं, डेविड विजे हैं, ही कैन हिट लॉन्ग, और अगर हम बात करें सोहेल अख्तर की, ही कैन हिट लॉन्ग एज वेल, एंड ऑल्सो द स्कीपर फखर जमान, आप कब फॉर्म में वापस आओगे, जब वो कहते हैं ना पानी सर से गुजर जाएगा और फिर हम कहेंगे अब पछताए क्या हवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। मुझे लगता है लाहौर का खेत चिड़ियां चुग गई हैं, और मुझे लग रहा है कि आज का मैच लाहौर के लिए जीतना अब बहुत मुश्किल हो गया है, और लाहौर अगर अच्छे तरीके से ये मैच जीतता है तो फिर तो लाहौर के चांसेस बहुत जबरदस्त हैं आगे निकलने के, लेकिन अगर बुरे तरीके से ये मैच हार जाता है तो फिर उनके लिए अगला मैच जीतकर भी आगे क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मुझे लग रहा है कि लाहौर के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन लाहौरियों कुछ करो अपनी टीम का, कुछ गुर सिखाओ अपनी टीम को, ये क्या बन रहा है लाहौर के साथ। बट अगेन आई वुड से कि ये बहुत जबरदस्त गेम हुई है अभी तक, और 238 इज अ बिग स्कोर टू चेज, बहुत बड़ा स्कोर है दुनिया के किसी भी ग्राउंड में, लेकिन ये ग्राउंड बहुत छोटा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो बॉल है वो पिच पे जबरदस्त लगती है और बैट पे जबरदस्त आ रही है, जबरदस्त साउंड क्रिएट हो रहा है, तो अगर आज फखर जमान चल गया तो क्या पता क्या हो जाए, आज क्या हो जाए, ये एन मुमकिन है। अब मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, बिकॉज मैच शुरू होने वाला है और लाहौर कलंदर्स रिप्लाई करने वाला है। अब लाहौर कलंदर्स की रिप्लाई कैसी होती है हमें इसको देखना है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैच होगा बहुत मजे का, लाहौर कलंदर अगर अच्छे तरीके से फाइट करती है और थोड़ा मजा आता है, कुछ और हिट्स लगती हैं, जबरदस्त किस्म के छक्के लगते हैं, कोई एक आधा रिकॉर्ड और टूटता है तो यकीन कीजिए इट वुड बी द बेस्ट मैच एवर फॉर HBL, PSL जो अभी तक उसके सीजन हुए हैं सब में से। अगर ये स्कोर चेज हो जाता है तो ये कोई भी टीम होती, लाहौर नहीं भी होती, लाहौर तो मेरी अपनी टीम है, अगर नहीं भी होती कोई भी टीम होती और ये स्कोर चेज हो जाता तो आपको मैं बता नहीं सकता कि ये क्या कैसा होता, क्या फीलिंग होती, और पूरी दुनिया में एक पैगाम जाता कि जबरदस्त लीग हुई है आज, और कैमरन डेलपोर्ट आपको सल्यूट, जबरदस्त आप खेले हैं, और स्टैंडिंग ओवेशन आपको आपकी टीम ने भी दिया है, क्राउड ने भी दिया, और कराची का क्राउड जो था वो बहुत पैक था आज और बहुत जोश में था, एक बज नजर आ रही थी। PSL जिंदाबाद, ग्रेट PSL,
और PSL ने पाकिस्तान में एक शानदार इजाफा किया है क्रिकेट में, और थैंक यू PSL फॉर सच अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट, थैंक यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड थैंक यू कराची फैंस, आप सब लोग जो आए और इतनी बड़ी तादाद में आए और आपने जबरदस्त आज किया है, तो जबरदस्त ये अब इनिंग्स शुरू होने वाली है, क्या होगा आइए मिलकर इनिंग्स देखते हैं लाहौर की, और उसके बाद होपफुली कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस फीलिंग के साथ बाबर हयात को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। मैदान सजाते तू ये खेल दीवानों का।